मेरा रहेगा यहाँ पे सीपरी अपने कोलस विधानसभा में एक दो फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाए जिससे क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल सके। लाखों रुपए निकल के आ रहे हैं गौशाला के नाम पे और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जो विधायक रहे हैं और पहले जो थे उन्होंने क्या किया है उसकी जानकारी अगर मैं बताऊं तो ठीक नहीं है, जनता के लिए सब पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं और जो होड़ मची हुई थी कुछ समय से टिकट्स को लेकर अब वो समाप्त हो चुकी है क्योंकि सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए और बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम आए हैं कोलारस विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही योग्य प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। नमस्कार सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का और आप किसी भी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार अपना परिचय स्वयं दीजिए। मैं इंद्रपाल सिंह कुशवाहा, एडवोकेट कोलारस जी, द न्यूज़ तंत्र चैनल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों का तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और सर आपका चुनावी चिन्ह क्या है? मेरा कांच का गिलास है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी योग्य प्रत्याशी के रूप में कोलारस विधानसभा से उभरे हैं, तो सर मूल रूप से आप जनसंपर्क भी कर ही रहे होंगे, तो इन जनसंपर्क के दौरान वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जो आपको जनता के द्वारा सुनने को मिल रही हैं? लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है जी, नामांतरण बंटवारे हैं, तहसील से संबंधित काम है समय पर नहीं हो पाते हैं, किसान लोग परेशान रहते हैं, खाद बीज की समस्या है, ये सारी समस्याएं किसान लोगों की हैं। मतलब आप शासन प्रशासन की कमियों से परेशान होकर आज चुनावी मैदान में उतरे हैं? हाँ जी। सर देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है, क्योंकि कई बार ये शिकायत सुनने को मिलती है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वो अच्छे से संचालित नहीं होते हैं, जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स होते हैं वो आते नहीं हैं, समय पे नहीं आते हैं और बिल्डिंग्स की हालत भी काफ़ी जर्जर होती है, और सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना होती है, क्या उसका लाभ बच्चों को पूरी तरीके से मिल पा रहा है? जो पुष्टाहार बच्चों को मिलना चाहिए क्या वो पूरी तरीके से मिल रहा है या उसमें भी कोई कमी है? पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है जी। सर शिक्षा का स्तर किस प्रकार का है? शिक्षा का स्तर तो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, मतलब शिक्षा का स्तर भी काफ़ी निचला। हाँ। और सर आप देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र कोलारस में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार से संचालित हो रही हैं, क्योंकि कई बार ये शिकायत भी सुनने को मिलती है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, और अगर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर बैठते हैं और उसमें वो जब जाँच करते हैं किसी भी मरीज की तो वो उसमें मोटी रकम चार्ज करते हैं, तो जो जनता को एक लाभ मिलना चाहिए एक सरकारी अस्पताल होने का वो उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, तो क्या ये स्थिति आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है? ये स्थिति विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, अराउंड ऑल MP में है जी, ये समस्या आगे नहीं है। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छे से संचालित नहीं हो रही हैं, शिक्षा का स्तर भी निचला है और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी काफ़ी निचला है, तो जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है जनता को। सर एक महत्वपूर्ण समस्या और जो आजकल कई बार देखने को मिलती है लेकिन चर्चाओं में कम रहती है कि रोडों पर अन्ना जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, लेकिन जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाते हैं, हादसे भी हो जाते हैं और हमारे किसान भाई बहन भी उससे परेशान होते हैं, तो सर जब गौशालाओं का निर्माण हो चुका है तो अच्छे से बहुत संचालित क्यों नहीं हो रही है? कागजों में चल रहा है, कागजों में चल रहा है हर जगह देखो, मतलब इसमें लाखों रुपये निकल के आ रहे हैं गौशाला के नाम पर जी और उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, मतलब इसमें भी भ्रष्टाचारी है। सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें भी भ्रष्टाचारी हो रही है और किसी भी शासन प्रशासन की चीज़ में भ्रष्टाचारी होती है। सर कई बार ये देखने को मिलता है कि जब कोई गरीब आदमी अपना किसी सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तरों में जाता है तो सरकारी अफसरों द्वारा उससे घूस मांगी जाती है, यहाँ तक कि जो आवास योजना और जिसमें शौचालय दिए जाते हैं और आवास योजना के तहत कुटी दी जाती है उसमें भी सरपंचों द्वारा घूस मांगी जाती है 10-10, 20-20 हज़ार की, तो सर भ्रष्टाचारी को लेकर आप क्या कहोगे? कोशिश ये रहेगी मेरी, अगर जनता मुझे चुनती है तो भ्रष्टाचारी को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं जी।
सर, एक महत्वपूर्ण समस्या और जो ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र की है बल्कि पूरे भारत की एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के बैठा हुआ है, बेरोजगारी। बेरोजगारी जैसी अहम समस्या का निवारण आप किस प्रकार से करेंगे अगर कोलारस विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं तो? मेरा रहेगा यहाँ पे सीपरी अपने कोलारस विधानसभा में एक दो फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाए जी, जिससे क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल सके जी। पूरा प्रयास करूंगा मैं इसके लिए। सर, और कोई आपका उपाय है इसके लिए? क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे फैक्ट्रीज लगवाई जाए। जैसा देखा जाए तो कोलारस एक कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? कृषि विकास के संबंध में काम करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि आपसे कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी, तो जो वर्तमान के विधायक है क्या उन्हें ये समस्याएं नज़र नहीं आ रही थी? उन्होंने क्या कदम उठाया और अगर उन्होंने नहीं उठाया तो आपने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई या नहीं उठाई? देखो, वर्तमान में जो विधायक रहे हैं जी और पहले जो थे उन्होंने क्या किया है उसकी जानकारी अगर मैं बताऊँ तो ठीक नहीं है, जनता के लिए सब पता है जी, जनता वाकिफ है। सर, आने वाले चुनाव में आपके कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास के कार्य कराना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जी, और बेरोजगारी भ्रष्टाचारी इसको मिटाना है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे समस्त विधानसभा क्षेत्र की जनता से? मैं समस्त विधानसभा क्षेत्र के वासियों से एक ही आशा करता हूँ, वो मुझे विजय दिलाएं जी, मैं और मेरा मनोबल बढ़ाएं। अगर मैं मेरे द्वारा जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए।